पहचाने। जाने कैसी भागवत करवा रहे हैं समझ में नहीं आया। तीन चार घंटे में कमरे से निकले, बड़े खुश हैं। पत्नी बोली भागवत लेने नहीं जाना। बोले लेने, भागवत आ गई, कलश यात्रा हो गई और एक दिन की भागवत हो गई। अब पत्नी और ज्यादा परेशान, बोली हमें लगता या तो जे पागल हो गए, अब क्या करें, अब तो तंत्र मंत्र की व्यवस्था करने लगी पत्नी। पतिदेव बिल्कुल सदाचारी बन करके पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब सातवां दिन आया, ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, पर पूजा नहीं है, बैठे हैं, कमरा बंद है, बैठे हैं। और उसी समय आंखें बंद हैं, सोच रहे हैं, केवल ध्यान देना, सोच रहे हैं, मैंने ठाकुर जी को दूध में विराजमान कराया, अब स्नान कर रहे हैं, दूध दही शहद, दूध दही शहद घी, अब बोले शक्कर तो डालनी है, ना शक्कर है, ना दूध है, ना दही है, ना शहद है, ना घी है, ना बेला कटोरा है, ना भगवान है, सोच रहा है। और सोच भी इतनी ज्यादा निमग्न हो गई, शक्कर डाल रहे हैं और शक्कर का डिब्बा खोला और जैसे ही डाली तो शक्कर जोर से गिर गई, ज्यादा गिर गई। शक्कर का डिब्बा भी नहीं है, सोच रहा है अब तो, अरे मन में सोचने लगा, अरे अरे ज्यादा गिर गई। अब उसी दूध में से शक्कर निकाल रहा है, ना दूध है ना शक्कर, निकाल रहा है। इतने में तो भगवान आकर के हाथ पकड़ लेते हैं, अरे तूने मन इतना लगा दिया हमें, जो मन संसार में भटक जाता है, आज वो मन तूने हमारे चरणों में लगा दिया। संसार में क्रिया जरूरी नहीं है, जितना जरूरी मन है। मन अगर आप हमारे चरणों में लगाओ तो हम तुम्हें मिल जाएंगे। कहते हैं मैया केवल मन बंधन का कारण होता है, इतना कहा। कहते हैं मैया संसार में हमारी रंगत में आने के लिए संतों की संगत करनी पड़ेगी, भगवान की रंगत में आने के लिए संतों की संगत करनी पड़ेगी। जैसी संगत करोगे वैसी रंगत चढ़ जाएगी। अगर मन को भगवान के चरणों में मोड़ना है तो पहले संगत अच्छी करनी पड़ेगी। भाई आप शराबी की संगत करोगे तो रंगत वो चढ़ेगी, और भगवान की भक्ति की संगत करोगे तो भक्ति का रंग चढ़ेगा। याद रखना, उस समय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, अगर शराबी की संगत करोगे तो शराबी बन जाओगे, और ज्वारी की संगत करोगे तो ज्वारी बन जाओगे, और अगर नेता की संगत करोगे तो नेता बन जाओगे। संगत का रंग, संगत की रंगत हमेशा चढ़ती है संसार के ऊपर। माँ ने कहा, हम दूसरा प्रश्न जानना चाहते हैं। तब माँ पूछती है, यह कैसे पता चले कि सिद्ध संत कौन है? अगर हम संत की संगत में रहें तो ये कैसे पता चलेगा कि अच्छा संत कौन है और बुरा संत कौन है? हम कैसे जान सकते हैं ये कौन सा संत सही है और कौन सा संत गलत है? ये पहचान कैसे करेंगे? इनकी पहचान क्या है? क्योंकि नकली साधु बनना बड़ा ही सरल होता है। एक बात और कहें आप सभी से, साधु बना नहीं जाता, संत बना नहीं जाता। फिर बोले संत तो पैदा ही होता है, संत कोई बनाने का विषय नहीं है।
कहते नहीं है कि भैया अब तो वे संत बन गए, जी नहीं, संत हमेशा पैदा ही होता है, संत अध बीच में नहीं बनता। संत कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि बाद में बना दिया जाए, मां के गर्भ से ही संत पैदा होता है, याद रखना, क्योंकि नकली संत बनना संसार में बड़ा सरल है। असली संत जरूरी नहीं है कि दाढ़ी हो, जरूरी नहीं है कि पीले और लाल कपड़े हो, जरूरी नहीं है कि लंबी लंबी जटाएं हो। संत का मतलब क्या है? बोले सामान्य ईश्वर, देह की अंत से पहले उस ईश्वर से जब मिलन हो जाए वो संत की कैटेगरी है, वो है संत। शरीर संत नहीं होता, मन संत होता है। विचार करिएगा, इस प्रकार कहते हैं बंधुओं, इस प्रकार कपिल देव ने अपनी मां को सुंदर प्रसंग श्रवण कराया। कहते हैं कपिल देव कहते हैं, मां उत्तम संत में पांच लक्षण होते हैं, उत्तम संत में पांच लक्षण। पहला लक्षण तितिक्षता, दूसरा लक्षण तारुकाह, तीसरा लक्षण सुहृदय। कहते हैं तितिक्षवा तारुकाह सुहृदया सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांतः साधवा साधु भूषण। अजात शत्रु और साधवा, कहते हैं तितिक्षु किसे कहते हैं? जिसमें सहन करने की शीलता हो, छोटी छोटी बातों पर जो क्रोध ना करे, साधु का पहला लक्षण है, साधु की पहचान है ये, ये संत की पहचान है। छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा ना हो, कहते हैं जिसमें सहन करने की ताकत हो, क्षमता हो, मौसम या व्यवहार देख के जो परिचय बदले वो संत नहीं है। संत हमेशा एक होता है, जिसका स्वभाव हमेशा एक सा होता है, संत का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। कहते हैं अगर कहीं अपमान हो तो भी चिंता ना कर नहीं करता वो, और अपमान सम्मान हो तो भी चिंता नहीं करता। अपमान हो तो चिंता नहीं, सम्मान हो तो चिंता नहीं, सदैव एक सा रहता है, ये संत का पहला गुण है। कहते हैं कारुण का है, करुणा कारुण काहे का मतलब है करुणामय। संत हमेशा करुणामय होता है, आप बुरा बोलोगे तो भी आशीर्वाद देगा और अच्छा बोलोगे तो भी आशीर्वाद देगा। एक संत की कथा सुनाऊं, एक महात्मा जी थे, गंगा जी में स्नान करके आए, छत पर एक मोमिन एक मुसलमान भाई खड़ा था। जैसे संत महात्मा दरवाजे से गुजरे उसने ऊपर से थूक दिया, महात्मा जी ने ऊपर देखा और लौट के चले गए, फिर गंगा जी में स्नान करने गए, लौट के फिर आए तैसे ही उसने फिर थूक दिया। महात्मा जी ने अब ऊपर भी नहीं देखा, फिर चले गए नहाने, फिर लौट के आए फिर थूक दिया, ऐसे ऐसे करके 100 बार थूक दिया उसने। और महात्मा जी 100 बार अब तो जाएं और ऐसे समय आए कि वो ऊपर से थूक दे, फिर चले जाएं ये स्नान करने।
सौवीं बार वो व्यक्ति सोचने लगा, इसने ना तो गाली दी, ना गुस्सा हुआ, ना किसी से कुछ कहा, अब नीचे जाना चाहिए। वो नीचे उतर के आया, जैसे महात्मा आए खड़े हो गए कि अब ये थूक दे, खड़े हो गए, हंस रहे हैं। इतने में वो अंदर से आया, बोले महाराज एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले मैंने 100 बार थूका और तुमने एक भी बार हमें गाली नहीं दी, गुस्सा नहीं हुए, बड़ा करुणामय हृदय है आपका। संत कहते हैं भैया तुमसे अच्छा दुनिया में हमें इंसान नहीं मिला कोई। बोले महाराज हमसे अच्छा, हमने 100 बार थूका तुम्हारे ऊपर। बोले मैंने, हाँ ये बात सत्य है, पर कहते हैं गंगा जी के पाद स्पर्श और पान से जीवन धन्य हो जाता है। अगर कोई गंगा जी का स्पर्श कर ले या पी ले, ध्यान देना, या स्पर्श छू ले या पी ले या दर्शन कर ले, उसको मोक्ष मिल जाता है। अरे जो हमें 100 दिन में पुण्य मिलना था वो तुमने आज एक दिन में दे दिया। तुमसे संसार, तुमसे भला इंसान संसार में कौन होगा? यह है साधु का दूसरा लक्षण। दूसरा लक्षण है कि साधु हमेशा करुणामय होता है, किसी पर क्रोध नहीं करता। अगर कोई साधु क्रोध करता है तो अभी वो है ही नहीं साधु, वो डुप्लीकेट है। गारंटी दे रहे हैं वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। कहते हैं बड़ा सुंदर प्रसंग आया। तीसरी बात सुहृदया, तीसरा गुण साधु का। ये कौन कह रहे हैं? ये कपिल देव अपनी माँ को सुना रहे हैं। मैया कह रही हमें नहीं पता साधु। माताएं ब्राह्मण की दीक्षा लेती हैं, संत की दीक्षा लेती हैं, साधु की दीक्षा लेती हैं, पर देवहूति महारानी ने अपने बेटे की दीक्षा ली, उनको अपना गुरु बनाया, कपिल भगवान को। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है कपिल अवतार। मैया ने 2 प्रश्न किए थे अपने पुत्र से गुरु बनाकर। 2 प्रश्न कौन से किए? पहला प्रश्न, इस पहले प्रश्न में कहती हैं, तमासीनम कर्माणम तत्मार्ग प्रदर्शनम स्वसुतम देव होता है धातु संस्मृति वचः। आज प्रार्थना करके वह 2 प्रश्न करती हैं। और प्रथम प्रश्न में उन्होंने एक बात कही, कहती हैं कपिल देव से, हे गुरुदेव, देखो मैया प्रश्न अपने बेटे से नहीं कर रही, अपने बेटे को गुरु बना करके उनसे प्रश्न कर रही हैं। क्या? हे गुरुदेव, हमारे मन की बड़ी इच्छा अभिलाषा है, हमारी 2 इच्छाओं को पूर्ति कर दो। पहली, पहला प्रश्न कहते हैं, हे माता, हमारा अगर सौभाग्य है आपके प्रश्नों का जवाब देने का, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूं। बोलो मैया, हम जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर जो 2 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में से क्या उद्विग्नता है तुम्हारे अंदर, क्या परेशानी है? कहते हैं हमें ये बात समझ में नहीं आई कि बंधन किसका होता है, मन का, आत्मा का या शरीर का। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बंधन किसका होता, मन का, आत्मा का या शरीर का।
उस समय कपिल देव कहते हैं, भैया बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बंधन कभी शरीर का नहीं होता, बंधन कभी आत्मा का नहीं होता, हमेशा बंधन मन का होता है। इसलिए सबसे खतरनाक मन होता है। आप लोग यहां बैठी हैं, हो सकता है मनीराम आपके मायके चले गए हों, बुरा ना मानिएगा। आप लोग यहां बैठी हैं, पता चला मन घर में लगा हो, ऐसा ना हो कि अलवारी का ताला नहीं लगा के आए, ऐसा ना हो कि कोई पैसे इधर उधर कर दे। मन आपके घर पे लगा हो, ऐसा ना हो कि गैस पर हम दूध उपहान उबालने के लिए रखाए थे, जाने बहू ने उतारा होगा कि नहीं। मन बड़ा व्यथित है, मन बड़ा चक्कर में डाल देता है। कहते हैं मैया, मन सबसे बड़ा घातक है, भगवान को पाने में बाधक बनता है। मन से बड़ा घातक संसार में कोई है ही नहीं। मन बड़ा घातक है, इसलिए आप तन से क्रिया कर पाओ या ना कर पाओ, पर मन को उस क्रिया में जरूर लगाना। एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आया। एक भैया, एक पंडित जी एक जगह कथा कह रहे थे। एक भैया आया, कथा सुन रहे थे भैया सब लोग। पंडित जी कथा कह रहे थे, भैया जरूरी नहीं है कि पैसे से भागवत हो, मन से भी भागवत हो जाती। उसने इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुना, बोले अगर मन से हो जाती तो हम तो डेली दिन करें भाई, पैसे से नहीं अपन कर सकते, है ना। मन में आया कि हम तो अब बड़े विधान से, वो बड़े आत्मीयता से कथा सुनने लगा। पंडित जी कह रहे हैं, भैया घर में बैठ करके अगर ज्यादा ही कथा सुनने का मन बने, कभी आए अपने मन में, तो एकांत में बैठ करके सोचने लग जाओ कि हम भागवत लेने जा रहे हैं। अब भागवत का मंच बन गया, पंडित जी मंच पर बैठ गए, संगीत वाले संगीत बजा रहे हैं, अरे बड़े धूमधाम से कथा हो रही है, अब प्रसाद बट रहा है, काजू पिस्ता बादाम बट रहे, पैसों के थोड़ी बांटने, मन ही से तो बांटने, सोच नहीं तो है, बांटना थोड़ी है, सोच रहा है कि ऐसा तो हम कर लेंगे, बोले ऐसा तो कर लेंगे, पैसे खर्च नहीं हो बस। पंडित जी के पास पहुंचे, बोले महाराज भागवत तो हमें भी कराने हैं। पंडित जी बोले भैया करा लो, अच्छा मुहूर्त बताएं। बोले हाँ महाराज बढ़िया मुहूर्त बताओ। सो पंडित जी ने अच्छी तिथि बार नक्षत्र शोधा, तिथि बार नक्षत्र शोधा, बोले भैया इससे अच्छा मुहूर्त है ही नहीं। बोले महाराज ये बढ़िया रहा। अब पंडित जी बोले भैया वो नारियल तो दे दो, मुहूर्त तो तुमने ले लो पर नारियल तो दे दो, तभी तो भागवत भाई हुई है। अब बोले महाराज वो नारियल भाई भागवत नहीं करने, बोले जा तो दूसरी भागवत। बोले जैसी तुम भागवत में नहीं कह रहे थे कि मन ही मन से, तो बोले वैसी ये करने। पंडित जी बोले भैया तो हम नहीं आए। बोले आ महाराज तुम नहीं आओ तो भागवत तो हम मन से कर ले, तुम्हें का करने, तुम तो घरे रहो और हम ले जाए भागवत सब हो जाए। घर पहुंचे अपनी पत्नी से बोले सुनो हम मुहूर्त सुधवा ले आए पंडित जी से, और फलानी तारीख को भागवत आ जाए, सो कलश यात्रा हुई है और फलानी तारीख से बैठ जाए भागवत, सो बढ़िया इतेक बजे से इतेक बजे तक भागवत चले, फिर अपन रसगुल्ला बांटें, बर्फी बांटें, बालू शाही बांटें, केला बांटें, सेब बांटें। पत्नी सोच रही आज तक एक चुबन्नी तो कितने चढ़ाई नहीं है, इतो खर्च जी कैसे कर रहे। पत्नी को भी दिमाग खराब,
बिन्ने बताई नहीं है कि जाके बोलो सोच सोच की भागवते करने हमें। वो समय आ गया, पत्नी बोली काय हम मोहल्ला पड़ोस में बुलगुआ नहीं दिया, बोले कहले जब बुलगुआ भाई भागवत नोई। पत्नी बोली फिर महाराज आ रहे फिर उनकी तैयारी, कहले हमने सब तैयारी कर ली, तुम्हें क्या करने, पूरा घर साफ कर लो धो लो। बोली घर तो धोए ले, हम अपने माई के फोन कले सुनो जे माई के बारी भागवत नहीं, माई के से तुम 15 आदमी बुला लो, कले जो दूसरी भागवत हो रही तुम्हें क्या करने। पत्नी को भी दिमाग खराब, सोच रही या तो जे पागल हो गए ना तो जे को बुलाऊ दे रहे, वो घर में तैयारी जिनकी तीन तैयारी काय की जो पूरा घर धो डारो साफ कर लो। पत्नी ने कह दी भैया घर साफ कर लो धो धोवा लो सब कुछ हो गो पोछा लग गो, जे गए कमरा में बंद अबे लगी के खोलो भागवत लेवे नहीं जाने, कहले चुप रहो भागवत ही लेवे जा रहे बैठी रहो बाहर। बिन्ने सोची के निश्चित